हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अंशु कपूर और ये है लेक्चर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज का टॉपिक है क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है हम इलेक्ट्रिक करंट के फिजिकल फॉर्मूला और मेजरमेंट को स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी को पढ़ने से पहले हम एक रिवर में वाटर फ्लो का एग्जाम्पल देखते हैं। रिवर में जो वाटर है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो हम वाटर के फ्लो को भी वाटर करंट कहेंगे। अब वाटर करंट को मेजर करते हैं। वाटर करंट के मेजरमेंट के लिए हम इस फ्लो के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर प्लेन में हम एक रिंग को इंसर्ट कर देंगे। कैसे? ये वाटर ऐसे फ्लो हो रहा है और हम इस रिंग को ऐसे रखेंगे, देखिए ऐसे, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो इस रिंग में से एक सेकेंड में जितना वाटर पास होगा, जितना अमाउंट ऑफ वाटर पास होगा एक सेकेंड में से, वही हमें वाटर करंट का आइडिया देगा। सिमिलर वे में हम कंडक्टर में चार्जेस के फ्लो को देखते हैं। चार्ज को फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ये पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से प्रोवाइड होता है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है। तो यहाँ पर हाई पोटेंशियल और यहाँ पर लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन्स लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं और डायरेक्शन ऑफ करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होती है। ओके, सिमिलर वे में हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और वो करंट की डायरेक्शन में ही जाते हैं, इलेक्ट्रॉन करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें कि इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल जाते हैं और वो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, तो सेम इफेक्ट ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाए। ये सब बातें लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुकी हैं। जैसे हमने रिवर में वाटर करंट को मेजर करने के लिए एक रिंग लगाई थी परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वैसे ही हम कंडक्टर में भी एक रिंग लगाएंगे। ये रिंग इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर होगी, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ से हम करंट के अमाउंट को अगर चेक करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया, दिस इज एरिया परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये एरिया ऐसे है, फ्लो ऑफ चार्ज ऐसे है, परपेंडिकुलर है। ओके, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस दैट एरिया पर यूनिट टाइम। अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस दैट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर करंट स्टेडी है या यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है अगर यहाँ से 3 कूलम चार्ज पर सेकेंड में जाता है तो नेक्स्ट सेकेंड में भी 3 कूलम चार्ज ही जा रहा है, इसका मतलब चार्ज का फ्लो स्टेडी है। तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे चार्ज पर यूनिट टाइम। अगर 3 सेकेंड, देखिए 3 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में पास होता है तो 6 कूलम चार्ज 2 सेकेंड में पास होगा और करंट की वैल्यू 3 एम्पियर रहेगी, विच इज यूनिफॉर्म। तो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला बना इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम, जहां चार्ज जो फ्लो हो रहा है टी टाइम में। ओके, लेकिन अगर यहाँ चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहे हो, मतलब पहले सेकंड में 3 कूलम, फिर 4 कूलम एक सेकंड में, किसी सेकंड में 5 कूलम, तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म फ्लो ऑफ चार्ज अगर हो तब हम इंस्टेंटेनियस करंट को लेते हैं। हम लेते हैं, हम ये मानते हैं कि डेल क्यू चार्ज डेल टी टाइम में फ्लो हो रहा है। यहाँ पर डेल टी इज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम और उस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। तब हम यहाँ पर लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 का मतलब ये है कि टाइम बहुत ही शॉर्ट है, तो हम इसे डी क्यू बाई डी टी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी का मतलब है, यहाँ पर आई का मतलब है इंस्टेंटेनियस करंट, किसी इंस्टेंट पर करंट की वैल्यू। इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला था dq by dt। तो यहां से हम वेरी स्मॉल चार्ज dq को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो dq की वैल्यू क्या बनेगी, i dt। हमने स्टार्ट किया चार्ज को फ्लो करवाना t1 टाइम पे और हमने T2 टाइम तक हमें देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ, और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ पर dq है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे टोटल चार्ज को, टोटल चार्ज के लिए हम करते हैं इंटीग्रेशन जब चार्ज, तो ये चीज हमें तब यूज करनी है जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहा हो और इंस्टेंटेनियस करंट हो, तब हम टोटल चार्ज को इस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमें टोटल चार्ज की क्वांटिटी कहां से कहां तक टाइम के लिए चाहिए, T1 से लेकर T2 तक। ओके, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। उसके बाद यूनिट ऑफ करंट, तो आपको सबको मालूम ही होगा ऐसा यूनिट तो करंट की क्या होती है, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी फॉर्मूले से निकाल लेंगे सीधा सीधा। ऐसा यूनिट ऑफ करंट होता है एम्पियर, और चार्ज का कूलम और टाइम का सेकंड। ओके, तो यहां से हम 1 एम्पियर करंट की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। एक 1 एम्पियर की इंटरनेशनल डेफिनेशन भी होती है, वो हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर नॉर्मल 1 एम्पियर की इस रिलेशन से डेफिनेशन पढ़ते हैं। 1 कूलम हो और 1 सेकेंड में फ्लो हो रहा हो तो अमाउंट ऑफ करंट 1 एम्पियर होगा। तो कैसे लिखेंगे इसको, अब हम बात करेंगे सीजीएस यूनिट ऑफ करंट। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज को हमें पहले पढ़ना पड़ेगा। तो सीजीएस यूनिट चार्ज ईएसयू भी होता है और ईएमयू भी होता है। अब ये ईएसयू ईएमयू क्या है, चार्ज की सीजीएस यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में भी हम बताते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में भी बताते हैं। जनरली अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज पॉपुलर है, और यहाँ इंडिया में हम जनरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज यूज करते हैं। दोनों ही सीजीएस के अंदर आती है। तो यहाँ पर हम एसआई यूनिट ऑफ सीजीएस यूनिट ऑफ करंट की बात कर रहे हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ करंट होती है वाट। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीजीएस यूनिट ऑफ करंट इज वाट। अब 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं हमें ये भी पता होना चाहिए। ये वाट किस नाम से पड़ी, ये वाट सेवर्ट्स एक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ी, जिन्होंने करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड को क्वांटिटी को डिस्कवर किया था। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती हैं, तो आंसर है 3 × 10⁹ ESU। और कितने EMU होते हैं, तो 1/10 EMU होते हैं। इस ESU को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या फ्रैंकलिन भी कहते हैं। ये अगर आपको ये नहीं मालूम है तो चार्ज के इनिशियल चैप्टर पढ़िए। और EMU को हम बोलते हैं एब कूलम। EMU को हम एब कूलम बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है। तो वाट जो यूनिट है उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज को लेते हैं। हम कैलकुलेट करेंगे 1 वाट को। तो 1 वाट का मतलब क्या होता है, 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट मतलब एब कूलम अपॉन में सेकंड। ओके, तो हम ये चेक करना चाहिए। देखिए, ये तो है सीजीएस यूनिट ऑफ करंट। अब 1 एम्पियर में कितने वाट होते हैं इसे चेक करते हैं। 1 कूलम पर 1 सेकेंड। ओके, 1 कूलम के अंदर कितने एब कूलम होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/10 एब कूलम अपॉन सेकेंड। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 1 एम्पियर इक्वल्स टू, ये हो गया 0.1, और एब कूलम पर सेकेंड क्या होता है, वाट। इसका मतलब 1 एम्पियर इक्वल्स टू 0.1 वाट।